World of physics. This is Sonali, your physics tutor, and I welcome you all in my physics class. So, bachcho, you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So, this is the platform where we deal with the physics of both 11th as well as the 12th board. So, in order to understand the physics, just stay tuned with the channel and subscribe it if you have not yet subscribed, so that you will be notified for all the recently uploaded videos. Okay? सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 11 फिजिक्स का एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, विच इज अ वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ अ फिजिक्स. ओके, सो कोई भी एग्जाम ले लो, ये चैप्टर आपका बिल्कुल पक्का होना चाहिए, तो आप फिजिक्स को इजीली पढ़ सकते हो. ओके, सो लास्ट लेक्चर में जो देखा उसे एक शॉर्ट में रिकॉल करते हैं एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द दिस लेक्चर. ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन बेसिकली दैट व्हाट इज यूनिट. ओके, इट जस्ट द रेफरेंस स्टैंडर्ड. Then we have seen the need for the measurement, system of units. Then we have seen the physical quantities, its types. We have seen units and its types. Okay? So basically, 7 fundamental physical quantities hum use karte hai according to the international system. Okay? SI system. And apart from those, whatever physical quantities are there, we call it as a derived physical quantities. But ye dono physical quantities ko agar hum side mein rakhe, that is fundamental and derived, still 7 fundamental physical quantities जो है physics में, वो 7 तो है ही, but apart from those 7 fundamental physical quantities, there are 2 more physical quantities and that is called as, जो fundamental में भी नहीं आते और जो derived में भी नहीं आते, तो ये जो तीसरा type है physical quantity का, उसे कहा जाता है supplementary physical quantities and the units that is used to measure this supplementary physical quantity is called as a supplementary unit. So basically, दो types की supplementary physical quantities physics में होती है. पहला है plane angle और दूसरा है solid angle. So हम पहले first supplementary physical quantity की बात करेंगे, that is called as plane angle. अब angle ये word लगा है, so obviously symbol जो है वो क्या रहेगा, theta और d theta. Okay? अब ये प्लेन एंगल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका यूनिट, इसका यूज कैसे करें, सब कुछ हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे और एक सिंपल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है. ठीक है, डेफिनेशन फॉर्मूला आप 2 मिनट में कर लोगे प्रिपेयर, बट कॉन्सेप्ट देखो, मतलब आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएगा. ठीक है, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है. अब स्क्वायर जो है सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की ओर जाते हैं हम. ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें चीजों को, सो हम क्या करेंगे, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की ओर जाएंगे. सो दिस इज स्क्वायर, यू नो दैट साइड, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज हैविंग सेम लेंथ. सो यहाँ पे देखो 4 एंगल सबटेंड होंगे इस तरह से, राइट? ये 2 साइड्स में ये एंगल सबटेंड होगा, यहाँ पे ये लाइक दिस, एंड यू नो दैट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सो दिस एंगल इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ प्लेन एंगल. ओके, इससे इजी लैंग्वेज में प्लेन एंगल को नहीं समझाया जा सकता. तो ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सर्कल सबको पता है. सो सपोज एक सर्कल है हमारे पास इस तरह से, सपोज यू हैव वन सर्कल. सो सपोज दिस इज अ सर्कल, नाउ लेट ओ बी द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड सपोज दिस आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल. तो एक सपोज ऐसे कंसिडर करो कि एक सर्क्यूलर फील्ड है और कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इनिशियली एट दिस पॉइंट ए, एंड सपोज दैट दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ओवर दिस सर्क्यूलर फील्ड. सो जब ये मूव होगा तो यहाँ से यहाँ से मूव होगा, सो सपोज ये यहाँ से यहाँ तक आके रुक गया, तो ये हो गई इसकी फाइनल पोजिशन. सो लेट दिस बी बी. ओके, सो वन ऑब्जेक्ट इज देयर विच इज मूविंग अलॉन्ग दिस सर्क्यूलर फील्ड राइट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. नाउ इफ यू नोटिस हियर, इन बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ओ एज अ रेफरेंस पॉइंट, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ सर्टन एंगल सबटेंडेड हियर, राइट? सो यहाँ पे देखो एक एंगल सबटेंड होगा इस तरह से, और इसी एंगल को कहते हैं प्लेन एंगल एंड इज डिनोटेड बाई डी थीटा. स्मॉल एंगल सबटेंड हुआ है करके डी थीटा. अगर एंटायर सर्कल आप लो तो एक कंप्लीट एंगल सबटेंड होगा जिसे हम थीटा कहेंगे. ठीक है, सो दिस इज सिंपल अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल. तो इसे डिफाइन कैसे करोगे आप, क्या है ये प्लेन एंगल? इज एंगल कहाँ सबटेंड हुआ है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल. किसने सबटेंड किया है,
दिस आर्क, आर्क ऑफ सर्कल, ये ए बी क्या है, इट्स आर्क लेंथ ऑफ सर्कल. सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बिकॉज ऑफ दिस आर्क लेंथ इज कॉल्ड एज अ प्लेन एंगल. सो हाउ विल यू डिफाइन दिस? प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज एन एंगल, एन एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय वॉट? बाय आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल. सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज अ प्लेन एंगल. तो सिंपल से डेफिनेशन है, अभी डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, जो भी फिगर में हमने एक्सप्लेन किया है बस उसी को हमने वर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है. अब फॉर्मूला की अगर बात करें, सो प्लेन एंगल जो है, प्लेन एंगल डी थीटा, इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. ओके, सो फॉर दिस केस सपोज लेट आर्क लेंथ बी डी एस बिकॉज एंटायर सर्कल की जो लेंथ है, लेट इज सर्कमफेरेंस, उसे अगर एस से डिनोट करते हैं तो ये स्मॉल लेंथ मतलब डी एस हो जाएगी, वेयर डी स्टैंड्स फॉर द स्मॉल लेंथ. ओके, सो डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, योर आर्क लेंथ इज डी एस एंड योर रेडियस ऑफ सर्कल इज आर. ओके, सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ प्लेन एंगल. नाउ टॉकिंग अबाउट द, यहाँ पे देखो ये दोनों जो है सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है. आर्क लेंथ, लेंथ हम काय में मेजर करते हैं, मीटर में, और रेडियस भी काय में मेजर करते हैं, मीटर में, राइट. सो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेन एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर दिस. बट एज इट इज अ एंगल विल नीड सर्टन यूनिट इन ऑर्डर टू मेजर दिस एंगल. सो जो यूनिट हम इस एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो है रेडियन, वो है रेडियन. अब एक्चुअली टेंथ तक आपने एंगल डिग्री में मेजर किया होगा, बट हर वक्त डिग्री एंगल, डिग्री ये जो यूनिट है ये हम यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट है अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल हम मीटर लेते हैं, बट अगर हम रोड की लेंथ मेजर करें तो हम वो मीटर में नहीं, हम वो किलोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, राइट. इन द सिमिलर वे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, वी डिस्क्राइब दिस प्लेन एंगल, वी मेजर दिस प्लेन एंगल इन अ यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियन. सो ये जो रेडियन है इसे शॉर्ट में लिखते हैं आर ए डी. सो ये क्या हो गया? सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट. तो इसे आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, द यूनिट विच इज यूज टू मेजर अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. विच फिजिकल, विच सप्लीमेंट्री क्वांटिटी? प्लेन एंगल, दैट इज कॉल्ड एज अ सप्लीमेंट्री यूनिट एंड दैट इज रेडियन. अंडरस्टूड? सो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट प्लेन एंगल का. इससे आप दूसरी डेफिनेशन और एक कर सकते हो. ये जो डेफिनेशन है ये फिगर के अकॉर्डिंग है, व्हाटएवर इज टेकिंग प्लेस देयर. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू कैन ऑल्सो डिफाइन प्लेन एंगल एज, सी व्हाट इज दिस, इट्स अ रेशियो, दो क्वांटिटीज का रेशियो है. ऊपर क्या है? डीएस, डीएस मीन्स व्हाट? आर्क लेंथ. और नीचे क्या है? आर, आर मतलब क्या है? सर्कल की रेडियस, राइट. सो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ what? Arc length, arc length of circle to the, नीचे क्या है? R, R means what? Radius, radius of circle. So this is a simple one more alternative definition of plane angle, right? अब एक simple सा example लेते हैं, बहुत complicated नहीं है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल इजी ही होता है, ठीक है. सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ओके, यहाँ पे इस तरह से ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और जिसकी रेडियस है आर, ठीक है. अब अगर क्वेश्चन ऐसा है दैट डिटरमिन, डिटरमिन प्लेन एंगल, प्लेन एंगल सबटेंडेड, प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल, एंटायर सर्कल, एंटायर सर्कल एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर. ये ऐसा क्वेश्चन है दैट डिटरमिन प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल एट इट्स सेंटर. सो
सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? एंटायर सर्कल की वजह से जो प्लेन एंगल सबटेंड हो रहा है वो हमें निकालना है. सो एंटायर सर्कल जो एंगल सबटेंड करेगा उसे हम डी थीटा से नहीं तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेंथ, आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला है. अब एंटायर सर्कल की अगर बात करें तो एंटायर सर्कल का आर्क मतलब इसका सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr अपॉन नीचे क्या है? रेडियस. सर्कल की रेडियस कितनी है? आर. सो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल गेट द आंसर, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 2π, और यूनिट क्या लिखोगे? रेडियन. ओके, सो दिस इज दिस वे, इन दिस वे यू हैव टू टैकल और डील विद द न्यूमेरिकल इफ इट कम फॉर द प्लेन एंगल. अंडरस्टूड? सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लेन एंगल का. आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, अगर है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, ये डायग्राम को आप अगर इंडिविजुअली या ड्रॉ करो तो ये देखो, ये ऐसे, ये है आपका प्लेन एंगल डी थीटा, ये है आपकी आर्क लेंथ ए बी जो कि है डी एस, और ये सर्कल की रेडियस है आर. ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल. नाउ लेट्स सी व्हाट इज सॉलिड एंगल. सो बच्चों, नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय सॉलिड एंगल. अब सॉलिड एंगल को भी एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन मैं आपको दूंगी, उसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि सॉलिड एंगल और मतलब क्या, और सॉलिड एंगल प्लेन एंगल से कैसे डिफर करता है. ठीक है, सो दिस सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय सिंबल डी ओमेगा. ओके, सो अगर स्मॉल सॉलिड एंगल सबटेंड होता है तो डी ओमेगा, एंटायर के लिए लोगे तो ओमेगा. ठीक है, सपोज हमारे पास एक पेपर है. ठीक है, जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्लेन करेंगे. सपोज ये क्या है, हमारे पास एक पेपर है इस तरह से. ठीक है, सपोज ये जो है ये एक पेपर है, एंड यू आर समवेयर हियर वॉचिंग दिस पेपर. ओके, सो यहाँ पे सपोज आपकी आई है एंड यू आर वॉचिंग दिस पेपर, राइट. सो देखो, अगर आपके पास लेंथ है, दोनों में का डिफरेंस कंसिडर करो. आप समझ के लो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में का डिफरेंस क्या है. ये आपका पॉइंट है, सपोज ये लेंथ है. इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस, सपोज ये वायर कंसिडर करते हैं. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ दिस वायर, सो देखो यहाँ पे आपका एक जो है यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट होगा ये. सो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा इसे आप कहोगे प्लेन एंगल डी थीटा. बट नाउ इंस्टीड ऑफ अ सिंगल लाइन, ओके, दिस इज वायर दैट वी ट्रीटिंग इट एज अ सिंगल लाइन. यू हैव अ पेपर हैविंग फोर साइड्स, फोर लाइन्स, राइट. अब अगर इस पेपर को आप देखोगे तो क्या होगा, अगर आप सिर्फ इस इंडिविजुअल लाइन को देख रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से एंगल सबटेंड होगा, राइट, इस तरह से. ओके, सो इस एंगल को आप कह सकते हो प्लेन एंगल, बट यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं होगा, यहाँ पे ये साइड भी है, ये साइड भी है, ये साइड भी है. सो अगर हम ये साइड को देखें तो ये पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो इसे अगर हम ज्वाइन करें तो ये कुछ इस तरह से होगा. सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस साइड, इस साइड को, तो यहाँ पे ये एंगल सबटेंड हुआ है, ये हो जाएगा प्लेन एंगल, राइट. इस साइड को देखोगे तो ये हो जाएगा प्लेन एंगल. ओके, अब अगर आप ये साइड देखोगे, दिस साइड, तो यहाँ पे भी एक एंगल सबटेंड होगा इस तरह से. ये देखो, यहाँ पे भी एक एंगल सबटेंड होगा. सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस साइड, तो ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये जो एंगल सबटेंड होगा इसे आप कहोगे प्लेन एंगल. ओके, एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस साइड, इस साइड के लिए जो एंगल है ये, और अगर ये साइड ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये लाइन और ये लाइन, सो ये जो एंगल सबटेंड होगा ये हो गए प्लेन एंगल्स, राइट. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल लाइंस, बट नाउ इफ यू आर टेकिंग दिस पेपर एज अ होल एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस पेपर फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, सो क्या होगा, यहाँ पे अब ये टोटल एंगल सबटेंड हो रहा है. ये जो थे ये प्लेन एंगल्स थे, बट हमें अब सॉलिड एंगल देखना है. डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. सो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ एक इस तरह से एंगल सबटेंड हो रहा है, और इसी एंगल को कहा जाता है सॉलिड एंगल, दैट इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा. अंडरस्टूड? सो यू कैन सी हियर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, यहाँ पे एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक 2D एंगल सबटेंड हुआ हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड एंगल. ओके, दूसरा विजुअलाइजेशन अब अगर हम और सिंपल करें इस चीजों को, तो देखो हमारे पास सपोज स्पीयर है. अब सर्कल नहीं है हमारे पास, क्या है, स्पीयर है इस तरह से. ओके, सपोज ये ओ,
सेंटर ऑफ स्फीयर और यहाँ पे आर जो है वो है रेडियस ऑफ स्फीयर। सो इसे इमेजिन करना है आपको कि ये स्फीयर है आपके पास, एक रबर का बॉल होगा तो घर पे करके देखो, उस रबर के बॉल से एक छोटा सा सेक्शन आप कट करो। जब आप इसका छोटा सा सेक्शन कट करोगे ठीक है, तो आपको जो सेक्शन मिलेगा वो सेक्शन से कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं उस सेक्शन को, ये देखो ये आपका सेंटर, ये यू विल ऑब्जर्व दैट दैट सेक्शन विल बी लाइक दिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल भी हम देंगे सी हियर लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरह से आपको ये सेक्शन मिलेगा राइट। सो अगर आप स्फीयर को कट करोगे, स्फीयर का एक सेक्शन कट करोगे और उस कटेड सेक्शन को अगर सेपरेटली ड्रॉ करो तो वो कुछ ऐसा होगा। और सर्कल का अगर हम कट करें तो ये सर्कल का कुछ इस तरह से होता है। तो ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, बट अब यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा ये इसे कहा जाता है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। अंडरस्टूड? इसका बेस्ट विजुअलाइजेशन अगर हम दे तो बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त केक होता है, उस केक का जब पीस हम कट करते हैं तो पीस को अलग करना और बाद में वहां पे जो एंगल सबटेंड हुआ है वो ऑब्जर्व करना, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड एंगल। ओके, इससे अच्छा एग्जांपल नहीं हो सकता, केक सबका फेवरेट होता है। अंडरस्टूड? सो अब अगर हम इसे डिफाइन करना है तो डेफिनेशन कैसे होगी, सॉलिड एंगल जैसे कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला हमने लिखा था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं उस पर से आप इजिली डिफाइन कर सकते हो। हमने प्लेन एंगल की डेफिनेशन फॉर्मूला लिखा था डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर, वेयर डी एस क्या था, आर्क लेंथ, आर वॉज द रेडियस। नाउ सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है, अब अगर एंटायर स्पीयर का, ये स्पीयर है, ये क्या है, स्पीयर नॉट अ सर्कल, एंटायर स्पीयर का अगर एरिया हम ए कंसिडर करें ठीक है, सो स्मॉल ये जो स्मॉल पोर्शन है उसका जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा डी ए, और ये है आपकी रेडियस आर ठीक है। ये स्पीयर ही है, ये स्पीयर का एक स्मॉल सेक्शन यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ किया है आपको विजुअलाइज करवाने के लिए। सो लाइक प्लेन एंगल इज डिनोटेड एज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस, द सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय डी ओमेगा इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। मतलब आपको क्या करना है, अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंपैरेटिव स्टडी इज ऑलवेज द बेस्ट। प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल में लेंथ है, सॉलिड एंगल में एरिया है, प्लेन एंगल में डिनोमिनेटर में रेडियस है, सॉलिड एंगल में डिनोमिनेटर में रेडियस का स्क्वायर है। मतलब उस टर्म को सिंपली मॉडिफाई करना है, लेंथ को एरिया से रिप्लेस करना है और आपको रेडियस को स्क्वायर ऑफ रेडियस से रिप्लेस करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल। अब डिफाइन करो आपको, अब डेफिनेशन इजीली डाइजेस्ट होगी, क्या है, इट्स अ रेशियो ऑफ व्हाट, दिस इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ दिस सरफेस ऑफ स्फीयर टू द आर स्क्वायर, व्हाट इज दैट, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। सो हाउ यू डिफाइन दिस, इट इज द रेशियो ऑफ पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन हमने लिया है स्फीयर का, सो इट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर टू दी, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर में स्क्वायर ऑफ रेडियस टू दी स्क्वायर ऑफ व्हाट, रेडियस ऑफ स्फीयर। सो दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉलिड एंगल। एग्जाम में आपको आ सकता है दैट व्हाट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, गिव इट एंड डिफाइन इट एंड राइट द फॉर्मूले। ओके, सो दिस इज, अब यूनिट की बात करते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर आप देखो तो डीए मतलब क्या है, एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर अपॉन नीचे, आर स्क्वायर मतलब क्या है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे करके सॉलिड एंगल भी ये क्या है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर दिस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस दोनों अलग अलग टर्म्स होती है। ओके, सो एज इट्स अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर टर्म दैट इज मीटर स्क्वायर, इट्स अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी बट स्टिल एज इट्स एंगल। ओके, ये एंगल है जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में सबटेंड होता है राइट, बिकॉज स्फीयर जो है कोन हो गया आपका, ये सब 3D स्ट्रक्चर्स है। सो 3D बॉडी में जो एक पर्टिकुलर एंगल सबटेंड होगा उसे हम कहेंगे कौन सा एंगल, सॉलिड एंगल।
और प्लेन एंगल कहाँ सबटेंड हो रहा था, सर्कल में, सर्कल इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर राइट, सो टू डी ज्योमेट्रिकल बॉडी में जो एंगल सबटेंड होगा वो होगा प्लेन एंगल और थ्री डी ज्योमेट्रिकल बॉडी में जो एंगल सबटेंड होगा वो होगा सॉलिड एंगल. अंडरस्टूड? सो इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट स्टिल एज इट इज अ पर्टिकुलर एंगल यू विल नीड अ सर्टन यूनिट फॉर इट्स मेजरमेंट. सो इट इज मेजर्ड इन द यूनिट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेराडियन. इसका जो यूनिट है इसे कहा जाता है स्टेराडियन. ओके, एंड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज एस आर. यहाँ पे एस कैपिटल नहीं है, एस भी स्मॉल है, आर भी स्मॉल है. ठीक है, रूल्स होते हैं जो फॉलो करना होता है. सिंबॉल में अगर कैपिटल है, अगर एम्पियर लिख रहे होगे, न्यूटन लिख रहे होगे तो कैपिटल एन राइट, मीटर लिख रहे होगे सिंबॉल में स्मॉल एम ही होगा. ओके, सो दिस इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल एंड दिस इज इट्स सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन. अंडरस्टूड? नाउ एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू फॉर दैट स्फीयर डिटरमिन सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर एट इट्स सेंटर. ये ऐसा क्वेश्चन अगर दिया है तो आपको सॉलिड एंगल निकालना है. कैसे सॉल्व करोगे? सॉलिड एंगल का पहले फॉर्मूला लिखो. क्या है फॉर्मूला? अब एंटायर स्फीयर की वजह से जो सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है वो निकालना है. सो यहाँ पे स्मॉल सॉलिड एंगल तो नहीं होगा, एंटायर स्फीयर की वजह से, स्मॉल पोर्शन की वजह से जो होगा वो स्मॉल एंगल डी ओमेगा. एंटायर स्फीयर की वजह से जो होगा वो हम डिनोट करेंगे ओमेगा से. और फॉर्मूला क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस राइट. एज वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्फीयर, not a small portion, so we have to consider the entire area of the sphere. And what is that? Entire area of the sphere is a upon square of radius. As this radius is denoted by r, so this is a upon r square. Small r hoga to small r use karo, capital r hai to capital r use karo. Theek hai? Ab for the sphere ka area kitna hoga? 4 by r square aur ye r square, to ye r square cancel ho jayega. सो सॉलिड एंगल हो जाएगा 4π राइट, और यूनिट क्या है? स्टेराडियन. ओके, सो दिस वे यू हैव टू डील विद दिस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. सो आई होप यू गॉट इट. सो दिस इज ऑल अबाउट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड दिस यूनिट्स दैट इज रेडियन एंड दिस स्टेराडियन, दिस आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री यूनिट्स. ओके, सो नाउ इन फिजिक्स थ्री फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, डेराइव, सप्लीमेंट्री, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट एवर इज देयर इज अ डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सो विद दिस लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड. सो इन द नेक्स्ट क्लास विल मीट विद द नेक्स्ट पॉइंट. टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.